हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल रिज्यूम द लास्ट थीम 3, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, एंड इट इज द सेकेंड लेक्चर ऑन इट। रोमन एम्पायर 27 BCE टू 7th सेंचुरी CE। टॉपिक 1, विच वर द टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर द मोस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप पर सबसे मोस्ट ऑफ यूरोप यानी सारी यूरोप पर कौन सी पावरफुल एम्पायर ने रूल किया। द मोस्ट पावरफुल एम्पायर दैट रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द यूरोप वर रोम एंड ईरान। रोम और ईरान। टॉपिक 2, विच सी सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा कॉन्टिनेंट सेपरेट करता, अलग करता है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। टॉपिक 3, विच रिवर मेड बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर फ्रॉम द नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड माने उत्तर दिशा की तरफ से रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज को किन नदियों ने बनाया है, सेटअप किया है। द बाउंड्रीज ऑफ रोमन एम्पायर वर सराउंडेड बाय द टू ग्रेट रिवर्स राइन एंड डेन्यूब। राइन और डेन्यूब दो नदियां थी, नदियां हैं जो कि इसको बाउंड्री को बनाती थी, सेटअप करती थी। टॉपिक 4, What was the other name of Roman Empire in 3rd century CE? 3rd century CE में इसका दूसरा क्या नाम था? In 3rd century CE, Roman Empire was called the Early Empire, प्रारंभिक साम्राज्य इसे बोला जाता था। Topic 5, Which languages were used for administrative purposes in early एम्पायर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन के अर्ली एम्पायर में कौन सी जो लैंग्वेज थी उनका यूज किया जाता था। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। मोस्ट वाइडली लैंग्वेज थी, इसका सबसे अधिक यूज किया जाता था। स्टूडेंट्स, टॉपिक 6, विच लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन अपर क्लासेस, उच्च वर्ग में, इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द अर्ली एम्पायर ऑफ रोम। अपर क्लासेस यानी उच्च वर्ग में ईस्ट और वेस्ट ऑफ द अर्ली एम्पायर ऑफ रोम, रोम के ईस्ट और वेस्ट में अपर क्लास में कौन सी भाषा बोली जाती थी। अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक द एंड रोट ग्रीक, दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन। यानी ग्रीक में जो ईस्ट में बोली जाती थी ग्रीक लैंग्वेज और वेस्ट में लैटिन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक 7 इज हू हैड एस्टेब्लिश्ड रिजीम इन 27 BCE। 27 BCE में किसने शासन स्थापित किया था। द रिजीम वाज, रिजीम का मतलब रूल, वाज या शासन, एस्टेब्लिश्ड बाई अगस्टस इन 27 BCE। अगस्टस में ही वाज द फर्स्ट एम्परर इन 27 BCE और वह 27 BCE में रोम का सबसे पहला एम्पायर बना, रोमन एम्पायर का। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक एट इज व्हाट वर द ग्रेट अर्बन सेंटर्स That lined in source of Mediterranean, यानी Mediterranean जो एक सी है, समुद्र है, भूमध्य सागर बोला जाता है उसे हिंदी में, उसके किनारों पर कौन से अर्बन सेंटर, शहरी केंद्र स्थापित किए गए। The great urban center that lined the source of Mediterranean were Carthage, Alexandria and Antioch. Carthage, Alexandria and Antioch, the great urban center that lined the source of Mediterranean. Students, our topic 9. Who were the main players in the political history of empire? Empire की जो राजनीतिक इतिहास है उसके मुख्य पात्र कौन थे, character कौन थे। The emperor, सम्राट, the aristocracy,
ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड रिच पर्संस एंड आर्मी और सेना वर द थ्री मेन प्लेयर, ये तीन प्रमुख प्लेयर थे इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर. कौन कौन से थे? एम्पायर, एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी. हाउ डिड करप्शन, टॉपिक 10, हाउ डिड करप्शन कम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी. जो रोमन ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो कि जो तंत्र था यानी नौकरशाही थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में करप्शन कैसे आया? इन द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी द हायर एंड द मिडिल एक्लॉन्स वाज ए कंपरेटिवली एफ्लुएंट ग्रुप. यानी सबसे ज्यादा जो हुआ था वो हायर और मिडिल जो एक्लॉन्स है. एक्लॉन्स क्या होता है? रैंक और द पोजिशन ऑफ ऑफिसर्स. वो सबसे एफ्लुएंट थे, प्रभावशाली ग्रुप था. बिकॉज इट ड्रू द बल्क ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड. इनको अपनी सैलरी गोल्ड में मिलती थी. एंड इन्वेस्टेड मच ऑफ इट इन द बाइंग अप एसेट्स लाइक लैंड. और ये उसको एसेट्स यानी लैंड या जमीन खरीदने में इसको खर्च करते थे. यानी वो प्रॉपर्टी खरीद लेते थे इसके द्वारा. देयर वाज ए कोर्स ऑफ कोर्स, वास्तव में ए ग्रेट डील ऑफ करप्शन स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम. जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें सबसे ज्यादा करप्शन सिस्टम था. एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज. और जो मिलिट्री सप्लाईज का जो विभाग था जिसमें कि सेना के लिए आपूर्ति होती थी, कमोडिटीज जाती थी, वस्तु जाती थी, उसमें सबसे अधिक करप्शन होता था. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 11. टॉपिक 11, हाउ स्लेव्स वर ट्रीटेड आफ्टर मर्डर ऑफ ल्यूकियस पेडानियस. ल्यूकियस पेडानियस बाय द स्लेव सेक्योंस. एक स्लेव था, एक गुलाम था, उसने अपने मालिक ल्यूकियस पेडानियस को का मर्डर कर दिया था. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ क्राउड एट दैट टाइम. उस समय उसका क्या रिएक्शन हुआ क्राउड का? क्राउड माने भीड़, यानी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी इस घटना पर. आफ्टर द मर्डर ऑफ ल्यूकियस पेडानियस बाय हिज स्लेव सेक्योंस, एंशियंट कस्टम रिक्वायर्ड दैट एवरी स्लेव रिजाइडिंग अंडर द सेम रूफ मस्ट बी एक्सक्यूटिव. यानी एंशियंट कस्टम, रिवाज के अनुसार ये था कि अगर ऐसी घटना कोई होती है तो जितने भी स्लेव रिजाइड कर रहे हैं, रहते हैं अंडर द सेम रूफ, एक जगह पर, एक छत में, उन सबको एग्जीक्यूटेड का मतलब उन सबको फांसी पर लटका दिया जाए. बट द क्राउड गैदर्ड टू सेव द इनोसेंट लाइव्स एंड राइट्स बिगेन. यानी लेकिन वहां भीड़ इकट्ठी होगी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनोसेंट लाइव्स को यानी निर्दोष लोगों को नहीं मरने देंगे. और वहां रियोट्स बिगेन यानी दंगे शुरू हो गए. द सीनेट हाउस वाज ओवरवेलम्ड इनसाइड, देयर वाज ए फीलिंग अगेंस्ट द एक्सेसिव सिवियरिटी. और इस प्रकार जो सीनेट हाउस ने वो सब एक मत थे कि हमें जो है एक्सेसिव सिवियरिटी यानी बहुत अधिक क्रूरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. बट द मेजोरिटी अपोज्ड एनी चेंज. लेकिन मेजोरिटी ने इस किसी भी चेंज को का अपोज किया. हाउएवर ए ह्यूज क्राउड वाज रेडी विद स्टोन एंड टॉर्चेस बट प्रिवेंटेड द ऑर्डर फ्रॉम द बीइंग कैरिड आउट. यानी मेजोरिटी इसके खिलाफ थी, लेकिन वहाँ उसके बाद सीनेट के बाहर एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी पत्थरों को लेकर. टॉर्च का मतलब जो लाइटिंग एपरेटस, यानी जिससे कि वो मशाल लेकर, और वे प्रिवेंट करना चाहते थे कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जाए जिससे निर्दोष लोगों को मारा जाए. टॉपिक 12, व्हाट वाज पोस्ट रोमन मीन इन 540s. 540s में पोस्ट रोमन का मीन्स क्या था? द जनरल प्रॉस्पर्टी, जो सामान्य समृद्ध थे, वाज स्पेशली जो समृद्धि थी या कि जो उनमें रिचनेस थी, स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट
वेयर वाज पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग, वहाँ ईस्ट में यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एम्पायर में पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग, वहाँ लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी टिल द 16th सेंचुरी सी तक। डेस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेग, प्लेग एक ब्यूबोनिक प्लेग एन एपिडेमिक स्प्रेड बाय रैट्स विच अफेक्टेड द मेडिटेरियन इन 540s, इससे 540s में मेडिटेरियन जो है का क्षेत्र था जो भूमध्य सागर का वो बहुत प्रभावित हुआ, इफेक्ट हुआ, यानी काफी लोग मारे गए। इन द वेस्ट, पश्चिम में बाय कॉन्ट्रेस्ट इसके अपोजिट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली, एम्पायर टूट गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, फ्रेगमेंटेशन का मतलब सेपरेशन पॉलिटिकली एज जर्मेनिक ग्रुप फ्रॉम द नॉर्थ, क्योंकि जो नॉर्थ में एक जर्मेनिक ग्रुप था वो अलग चला गया और बाकी ग्रुप अलग हो गए। टू कोवर ऑल द मेजर प्रोविंसेस और एस्टेब्लिश्ड किंगडम दैट द बेस्ट डिस्क्राइब एज पोस्ट रोमन, और उन्होंने एक ऐसी किंगडम बनाई जिसका नाम रखा पोस्ट रोमन, यानी रोम से भी पहले, यानी रोम साम्राज्य के बाद। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाज कोलुमेला, कोलुमेला कौन था? कोलुमेला एक फर्स्ट सेंचुरी राइटर, एक फर्स्ट सेंचुरी का राइटर था, हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन के दक्षिण से आया था। रिकमेंडेड दैट, उसने यह अनुशंसा की या सजेस्ट किया दैट लैंड ओनर्स शुड कीप ए रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, कि जितने भी लैंड ओनर्स हैं, जितने भी जमीन के मालिक हैं, जमींदार हैं, उन्हें एक रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए इम्प्लीमेंट्स औजारों का और टूल्स का। ट्वाइस एज मैनी एज द नीडेड, जितना नीडेड है उससे भी लगभग ट्वाइस दुगना। टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ लेबरर्स, इससे लेबरर्स की जो सिचुएशन है उसमें काफी सुधार होगा। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 14, व्हाट हैड ऑकर्ड आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद्स डेथ इन 1642। एज यू नो प्रॉफेट मोहम्मद डाइड ऑन द ईयर 1632 एंड 62 इज द 10 ईयर्स आफ्टर द आफ्टर हिज डेथ। बाई 642 एडी, बियरली 10 ईयर्स आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद डेथ, उनकी डेथ के 10 ईयर्स बाद, लार्ज पार्ट ऑफ बोथ ईस्टर्न रोमन एंड सेसेनियंस एम्पायर, जितने भी जो थे जो ईस्टर्न रोमन और सेसेन एम्पायर थे, हैड फॉलन टू द अरब्स, अरब्स इन ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन, उनके बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुई, और अल्टीमेटली ये जितने भी ईस्टर्न रोमन और सेसेन एम्पायर थे वो उन्होंने पर अरब जो है विक्टोरियस हुआ और उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। दो दीज कॉन्क्वेस्ट, यद्यपि ये जो कॉन्क्वेस्ट माने विक्ट्री विजय थी, विच इवेंचुअली ए सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी बाद, एक शताब्दी बाद, एक्सटेंडेड अप टू स्पेन सिंध एंड सेंट्रल एशिया, ये सिंध उन्होंने स्पेन सिंध और सेंट्रल एशिया के भी काफी बड़े भूभाग पर लैंड पर उन्होंने कब्जा कर लिया, अटैक किया और उसको जीत लिया। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 15, व्हाट डज टर्म रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। रेफर टू इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में, द रिपब्लिक वाज द नेम फॉर ए रिजीम इन विच द पावर ले विद द सीनेट, यानी उसमें पावर एक सीनेट, सीनेट का मतलब जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट, इन विच ऑल द इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन वर द मेंबर्स ऑफ इट, यानी अपर क्लास मेंबर ऑफ सोसाइटी वर द मेंबर ऑफ सीनेट, ए बॉडी डोमिनेटेड बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज एंड फॉर्म द मेजोरिटी, यानी जो वेल्दी फैमिलीज थी, धनी परिवार थे, उनको लोगों ने मिलकर एक नोबिलिटी, एक कुलीन तंत्र, रॉयल फैमिली बनाई थी। द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी,
ये रिपब्लिक क्या रिप्रेजेंट करती थी, गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी कॉल्ड सीनेट, और इसका होता था, इसको बोला जाता था सीनेट, जिसके थ्रू ये लोग अपने प्रोजेक्ट को, वर्क को और उनको रखते थे और उसमें वे डिस्कस करते थे। द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BCE, ये रिपब्लिक 509 BCE तक एस्टेब्लिश थी, स्थापित थी, 227 BCE तक की थी, 227 BCE व्हेन इट वाज ओवरथ्रोन, जब इस पर इसको हटा दिया गया बाय ऑक्टावियन द एडॉप्टेड सन एंड हेयर ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जो एडॉप्टेड सन था और उनका नाम था ऑक्टावियन सीजर, उसने 27 BCE में उन्हें ओवरथ्रोन यानी सीनेट को और उसकी पावर को रिमूव कर दिया, डिलीटेड कर दिया, हटा दिया। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग्स आर सम क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट। विच वर द टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर द मोस्ट ऑफ यूरोप, वेरी शॉर्ट। विच सी सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, वेरी शॉर्ट। Which river made boundaries of Roman Empire from the north side? Very short. What was the other name of the Roman Empire का दूसरा नाम क्या था in 3rd century? Which languages were used for the administrative purposes? Administrative माने प्रशासनिक कार्यों के लिए, पर उद्देश्यों के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, गोल के लिए, इन अर्ली एम्पायर ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। विच लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन अपर क्लासेस इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द अर्ली एम्पायर ऑफ रोम, हु हैड एस्टेब्लिश्ड द अर्ली एम्पायर ऑफ रोम, हु हैड एस्टेब्लिश्ड द रिजीम इन 27 BCE, 27 BCE में किसने रिजीम को एस्टेब्लिश किया। व्हाट वर द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइंड इन द सोर्स ऑफ मेडिटेरियन, हु वर द मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। शॉर्ट क्वेश्चंस, हाउ स्लेव्स वर ट्रीटेड, मर्डर ऑफ द ल्यूक आफ्टर द मर्डर ऑफ ल्यूकियस पेडेनस बाय हिज स्लेव सेक्विनस, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड एट दैट टाइम, How did corruption came in the administrative system in the late Roman bureaucracy? Question 12. What was the post-Roman mean in 540s? Who was the Columella? What had occurred after the Prophet Muhammad's death in 642 AD? Thank you very much.